स्मृति दिवस के मौके पर आज छत्तीसगढ़ में अनेक कार्यक्रम आयोजित कर शहीद जवानों को नमन किया जा रहा है। कोरबा में आयोजित कार्यक्रम में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन और पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने वीर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर जिले के उन सभी 12 शहीद जवानों को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। पूरे देश में पुलिस स्मृति दिवस के रूप में हम सब लोग हमारे जो शहीद जवान होते हैं देश की रक्षा करते हुए, भारत माँ की रक्षा करते हुए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। कोरबा पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने शहीद परेड के बाद शहीदों के परिजनों से बातचीत की और इसके साथ ही उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। वहीं कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर के पुलिस ग्राउंड में भी पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। विधायक भैया लाल राजवाड़े, कलेक्टर चंदन त्रिपाठी और SP सूरत सिंह परिहार ने शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में पिछले साल देश में शहीद हुए 216 जवानों के नाम का वाचन भी किया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने बताया कि पुलिस स्मृति दिवस मनाने का उद्देश्य उन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करना है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी। एक वर्ष के दौरान 216 वीर बलिदानियों ने, जाबाज हमारे पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों ने देश की वेदी पर अपना सर्वस्व न्योछावर किया। उनको और इससे पहले भी जो आज़ादी के बाद के जितने भी हमारे बलिदानी हैं उनको याद करने के क्रम में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस बीच राजनांदगांव जिले के रक्षित आरक्षित केंद्र में आज पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर वीर शहीदों की याद में शहीद परेड का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान राजनांदगांव रेंज के IG दीपक झा ने शहीद पुलिस जवानों के नाम का वाचन किया जिसमें राजनांदगांव जिले के पुलिस जवान भी शामिल थे। हम लोगों ने 31 अगस्त 2024 की स्थिति में पिछले एक वर्ष में जितने भी शहीद हुए अलग अलग राज्यों के पुलिस में CAPF में उन सभी के नामों का वाचन किया गया, सभी को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद जो शहीद परिवार हैं उन सभी से भी हम अभी बात करेंगे, उनकी कुछ समस्याएं हैं उनको भी सुनेंगे। मैं आज 21 अक्टूबर पुलिस स्मृति दिवस के दिन सभी वीर सपूतों का, सभी शहीदों का जो शहीद हुए हैं उनको नमन करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। इस मौके पर कलेक्टर संजय अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग भी मौजूद रहे। वहीं महासमुंद में पुलिस विभाग द्वारा आज पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में कलेक्टर विनय कुमार लंगेह और पुलिस अधीक्षक आशुतोष सिंह सहित गणमान्य नागरिकों ने वीर जवानों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने जिले के 19 शहीद परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया। आज पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर पूरे देश भर के जो हमारे जवान जो शहीद हुए हैं विगत एक वर्ष में उनको श्रद्धांजलि दी गई और साथ में ही हमारे महासमुंद में जो शहीद परिवार हैं उनको भी नमन किया गया है। उनके परिवारों से बात भी की गई है कि किसी प्रकार की समस्या तो नहीं आ रही है और कुछ कुछ हमने नोट किया है, उसको तत्काल रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे। उधर बीजापुर के न्यू पुलिस लाइन में आयोजित पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर संबित मिश्रा, SP जितेंद्र यादव, भाजपा के बस्तर प्रभारी जी वेंकट की मौजूदगी में देश भर के शहीद जवानों को नमन किया गया। इनमें बीजापुर के 11 पुलिस जवान और CRPF के 23 जवान शामिल थे। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव ने बताया कि वर्ष 1959 में चीन के साथ सीमा पर हुए एक हमले में शहीद हुए पुलिसकर्मियों की याद में पुलिस स्मृति दिवस की शुरुआत की गई थी। जवान हुए थे उनको श्रद्धांजलि दी गई जिसमें पूरे देश में 216 जवान शहीद हुए जिसमें बीजापुर से 11 जवान और CRPF के 23 जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। प्रदेश के अन्य जिलों में भी पुलिस स्मृति दिवस पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।